हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं टॉर्जन इक्वेशन। देखिए टॉर्जन इक्वेशन बड़ी ही इजी है, ठीक है, बड़े ही इजी वे से समझी जा सकती है। आप मेरे साथ बनी रहिए, स्टार्ट करते हैं। एक शाफ्ट है हमारे पास, देखिए शाफ्ट को टॉर्क लगाना है, ठीक है यार। कपड़े निचोड़े हैं ना, कपड़े निचोड़ते हैं ना जब, तो एक्चुअली वो टॉर्जन ही एक तरह से लगा रहे होते हैं। वो अलग बात है कि वो कपड़ा है वो मुड़ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी शाफ्ट को रोटेट किया जाए, अब रोटेट करना क्यों है, अब टॉर्जन लगानी क्यों है। देखिए एक मेरे पास मान लो यहाँ पे मोटर है, ठीक है, यहाँ पे ये मोटर है, ये घूम रही है। आगे मैंने मशीन चला, मान लो ये शाफ्ट है पतली और मैंने मशीन बड़ी लगा दी, ये लो इस बड़ी मशीन को चलाना है, ठीक है। अब मेरे पास इसमें ताकत है, मोटर में ताकत है कि ये मशीन चला सकती है, लेकिन ये शाफ्ट मैंने पतली लगा दी, ठीक है, इसका डायमीटर मैंने पतला लगा दिया, लो और छोटा कर दूं, तो एक पतली सी रोड ले ली, ले लो। अब ये क्या करेगी, ये पतली, ये मोटर इसको घुमा देगी, लेकिन जब ये घूमेगी और आगे मशीन को घुमाने की कोशिश करेगी तो मशीन को घुमा नहीं पाएगी, खुद टूट जाएगी, पड़ गया पंगा। अब क्या करें, तो ये कंडीशन ना आए, चलती हुई मशीन के साथ ऐसी कंडीशन ना आए, इसलिए हमें टॉर्जन इक्वेशन बता देगी कि रेडियस कितने वाला भाई साहब ये सही रहेगा तेरा, कौन सी शाफ्ट यहाँ पे सही रहेगी, कितने रेडियस वाली, ठीक है, उसकी शियर स्ट्रेस कितनी होनी चाहिए, जो मटेरियल आप यूज़ करोगे उसका शियर स्ट्रेस कितना होना चाहिए और उसका रेडियस कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ बताएगी कौन, टॉर्जन इक्वेशन, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो इसमें मेरे पास क्या करेंगे कि एक शाफ्ट है हमारे पास यहाँ पे, इसमें हम क्या करेंगे, टॉर्जन लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे, तो इसको पकड़ के क्या करते हैं, टॉर्क लगा देते हैं। अब इसमें होगा क्या कि एक लेयर मान लेते हैं, ठीक है, एक लेयर मान लेते हैं और उसको हम कंसीडर करके आगे चलेंगे। किस तरह से, लेयर हमारे पास मान लेते हैं कि ये है, ये मान लेते हैं एक लेयर है। जब आप इसको रोटेट करोगे, ठीक है, तो यहां से ये फिक्स है, एक तरह से फिक्स है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट करूंगा तो ये वाली जो लेयर है ये बढ़ के आगे चली जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से है कि अगर मैं आपकी आर्म है, देखो इसको मैं टॉर्जन लगाता हूं, देखो एक बार, समझ रहे हैं, मैं इस पे लगाता हूं, देखो ये लाइन है, ठीक है, और इसको पकड़ के मैं टॉर्जन लगाता हूं, ये कहां गई, समझ रहे हो क्या कर रहा हूं, टॉर्जन लगाई आगे चली गई ना वो लेयर। तो मेरे ब्रदर ये देखो, ठीक है, इसका कुछ इस तरह से होगा, अगर मैं ये लाइन यहां पे लगा दूं, अब देखना वो सीधी है, वो टेढ़ी होगी, ये जो एंगल होगा कितना ये मुड़ गया, यहां था ये मुड़ गया, कितना ये मुड़ा, इसे ही तो कहते हैं शियर स्ट्रेन, समझ रहे हैं। तो ये जो हमारे पास होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि इसको हम रोटेट करते हैं, तो ये वाली लेयर कहां आ जाएगी, यहां पे, ठीक है। तो अगर इसका ये नामकरण करें तो इसको सी लिख दें, इसको डी लिख दें। अब ये जो लेयर आगे बढ़ चुकी है ना टॉर्जन लगाने के बाद, तो ये डी डैश हो जाएगा, ठीक है, और ये जो एंगल मूव करेगा उसको हम कहते हैं फाई, कि फाई एंगल मूव कर दिया, ठीक है। टी टॉर्क लगाई तो सी डी ये जो लेयर थी घूम के यहां तक आ गई, और ओ इसका सेंटर है कहां से, इस साइड से, इस साइड से, ठीक है, इस साइड से जो सेंटर है वो ओ है। तो इसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, वो करेंगे शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, स्ट्रेन वो क्या होता है मेरे ब्रदर, वो होता है टेंजेंट फाई, टेंजेंट फाई। अब अगर ये एक ट्रायंगल माने इसको, कि ये देखो एक ट्रायंगल मान ले इसको, कि ये एक ट्रायंगल की तरह है, ये सी है, ये डी है और ये डी डैश है और ये फाई है हमारे पास, तो एंगल के सामने वाला क्या बन गया, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, तो टेंजेंट क्या बन जाएगा, टेंजेंट होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, वो है डी डी डैश, और बी क्या है, बेस है हमारे पास सी डी, इजी है। अब ये जो सी डी लेंथ है वो क्या है, लेंथ ऑफ शाफ्ट, तो ये यहां से ये लेके यहां तक जो लेंथ है इसकी वो है एल,
तो मैं क्या लिख सकता हूं उसे, डी डी डैश अपॉन एल। इजी है यहां तक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये फाई एंगल बहुत स्मॉल है, ठीक है, ये कहते हैं क्योंकि फाई बहुत स्मॉल है, इज वेरी स्मॉल, तो इसका टेंजेंट फाई होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, तो टेंजेंट फाई जो होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इसे क्या कर सकते हैं, इग्नोर करके सिर्फ फाई ही लिख सकते हैं, तो टेंजेंट फाई की जगह हम क्या करेंगे, सिर्फ फाई लिख देंगे। ये कुछ इस तरह से मेरे ब्रदर, टेंजेंट जैसे जीरो के आसपास है वैल्यू, 0.01 0.02 है, इतनी वैल्यू है, तो अगर मैं इसका वैल्यू लेता हूँ बहुत स्मॉल निकलती है, इसलिए वो क्या करते हैं सिर्फ फाई ले लेते हैं। फाई किसके बराबर आ गया, डी डी डैश अपॉन एल के बराबर आ गया। यहां तक इजी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अलग से एक चीज समझने वाली क्या है, इसमें हमने यहां से टर्न किया था ना, ये देखना, ये इस साइड से भी तो दिखेगा टर्न होता, इस साइड से भी दिखेगा ना कि कितना टर्न हुआ है, तो ये जो यहां से दिखेगा वो एंगल जो है वो हम ले लेते हैं थीटा, ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसको मैं यहां पे बना देता हूं कि ये मेरे पास कुछ इस तरह से आर्क बनेगी, ये देखना, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, राउंड वाली साइड है, सर्कल वाली साइड है ये, तो अगर ये आर्क है, ये आर्क है ना, एक डी डी डैश एक आर्क है और ये एंगल थीटा है मेरे पास, थीटा, और ये यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है वो आर मान ले, ये आर रेडियस है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क ये हम छोटे थे फॉर्मूला कहते करते थे ना, एल इज इक्वल टू आर थीटा, याद होगा आपको आर थीटा, तो एल क्या है हमारे पास, ये एल एक्चुअली लेंथ ऑफ आर्क है, तो मैं एल इसको भी लिख रहा हूं, इसके एल यहां नहीं लिखूंगा, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, आर थीटा, ठीक है, आर थीटा, तो वो डी डी डैश है, ये आर्क क्या है, डी डी डैश आर थीटा आ गया, ये आर थीटा मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो आर थीटा अपॉन एल, ये किसके बराबर है, फाई के। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, जिसको हम जी कहते हैं, वो क्या कहता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ठीक है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ये होता है, ठीक है, इसमें अगर मैं फाई इस साइड ले जाऊं, शियर स्ट्रेन को इस साइड ले जाऊं फाई को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू टाओ बाय जी, ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो फाई इसके बराबर भी है, फाई इसके बराबर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको बराबर लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं आर थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू टाओ बाय जी, ठीक है। हमारी बुक में क्या किया होता है कि जी को इस साइड रखते हैं और आर को इस साइड रखते हैं, क्योंकि हमें एक एक्सटेंडेड टॉर्जन इक्वेशन याद है, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको भी बनाऊंगा, जी इस साइड ले आता हूं, आर को इस साइड ले आता हूं, तो जी थीटा बाय एल, इसको कह लूंगा ना सी भी लिखते हैं, तो कई बुक में जी को सी भी लिखा है, तो आप सी लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, बस जैसे आपकी बुक में हो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, टाओ बाय आर, यहां तक हो चुका है, आधा पार्ट हमारा हो गया, आधा रहता है वो क्विक से अभी कर लेंगे। तो ये इक्वेशन निकल के आई थी हमारे पास, अगर मैं आर को इस साइड ले जाऊं तो देखना टाओ इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल इंटू आर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शियर स्ट्रेस के, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे शियर स्ट्रेस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे आप इस साइड से देखना, इस साइड से अगर मैं इस साइड को ऐसे बना दूं, ठीक है, तो मैं इसको कभी भी किसी भी चीज पे ऐसे टॉर्शन लगाता हूं, टॉर्क लगाता हूं ना, ऐसे रोटेट करता हूं, तो सेंटर में बिल्कुल भी कोई शियर स्ट्रेस नहीं होगी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शियर स्ट्रेस बढ़ती जाएगी,
क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी शीयर स्ट्रेस बढ़ती जाएगी और इस साइड भी ये थोड़ी सी बढ़ती जाएगी ऐसे। तो मेरे पास क्या हो रहा है कि जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे शीयर स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे बेंडिंग इक्वेशन में था वैसे सेम इसे टॉर्जन इक्वेशन में भी है कि बाहर जितना जा रहे हैं उतना ज्यादा वो रेडियस बढ़ने से शीयर स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए, अब मेरे पास ये जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसी भी शाफ्ट, जो भी आपके पास गिवन शाफ्ट होगी उसका जी फिक्स होगा, थीटा फिक्स होगा, एल उसका जो भी आपके पास शाफ्ट ऑलरेडी है उसका एल भी फिक्स होगा, ठीक है। एल ये सारी क्वांटिटी गिवन होगी और वो कांस्टेंट होंगी हमारे पास, जो भी शाफ्ट हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया। आर को मैं इस साइड लाऊंगा तो टाउ बाय आर क्या बन गया मेरे पास, कांस्टेंट। मतलब इनका मैं डिवाइड जब करूंगा शीयर स्ट्रेस और रेडियस को जब डिवाइड करूंगा काट के कुछ आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इस एक सर्कल वाले हिस्से में से देखो एक स्ट्रिप ले लेते हैं, छोटी सी स्ट्रिप का मतलब एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। ये मान लो कि यहां पे एक स्ट्रिप ले ली, ये स्ट्रिप है। अब इस स्ट्रिप की जो मोटाई है ये यहां से यहां तक वो डी आर है, वो स्मॉल है डी आर है। और यहां से देखो ये रहा, ये यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है वो है आर, ये मान लेते हैं कि ये आर रेडियस है। अब मेरे ब्रदर इसका क्या करेंगे कि हम इस पे शीयर स्ट्रेस देखेंगे, ठीक है, और इसके इसके ऊपर टर्निंग फोर्स देखेंगे, टॉर्क देखेंगे कितनी लग रही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरे ब्रदर ये शीयर स्ट्रेस अपॉन रेडियस पता लग गया हमें, शीयर स्ट्रेस अपॉन रेडियस पता लग गया कॉन्स्टेंट है। तो शीयर स्ट्रेस अपॉन रेडियस इसका अगर कांस्टेंट है तो इस स्ट्रिप का अगर मैं टाउ वन लिख दूं और इसको आर लिख दूं ये भी कांस्टेंट होगा, इस यहां पे भी अगर यहां पे कांस्टेंट होगा तो मेरे पास इस इसके ऊपर अगर मैं वन पॉइंट पे यहां पे इसको वन मान रहा हूं कि यहां पे शीयर स्ट्रेस वन है तो ये शीयर स्ट्रेस वन कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी शीयर स्ट्रेस अपॉन रेडियस ये था और ये वाला आर इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आर इधर आ जाएगा। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, शीयर स्ट्रेस इस पॉइंट पे आ गई है। अब एक बात देखिए कि शीयर स्ट्रेस क्या होती है, शीयर स्ट्रेस होती है मेरे पास, शीयर स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं ये एरिया पता लग जाए, ठीक है, शीयर स्ट्रेस तो यहां से पता लग गई ये वाली, ठीक है, एरिया अगर पता लग जाए इसका तो ये फोर्स निकल सकती है। फोर्स काम करेंगे क्या निकाल के, फोर्स इसलिए चाहिए क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क निकालनी है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू रेडियस, होता है ना। अगर फोर्स निकल जाएगी तो रेडियस से मल्टीप्लाई करके टॉर्क आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस छोटे से स्ट्रिप पे काम कर रहे हैं सारा कुछ। तो यहां पे एरिया, एरिया देखिए अगर मैं यहां से लेके यहां तक की गोल लेंथ देखूं तो गोल लेंथ क्या होती है किसी चीज की, वो होती है 2 पाई आर, यही होती है ना 2 पाई आर, ठीक है, जिसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। और यहां से लेके यहां तक की थिकनेस इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ये आप करके देखा करो घर पे ये चीजें, जैसे कागज फोल्ड कर लिया उसकी लेंथ देखी, ठीक है, आर रेडियस काउंट किया, उसका पैरामीटर देख लिया, सर्कमफेरेंस देख लिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया अगर थिकनेस भी है, अगर आपके पास दो कागज ले लो, ठीक है, इसी तरह से तो आप उसका एलिमेंट जो था उसका आप एरिया निकाल सकोगे, एरिया आ गया। तो मेरे पास शीयर स्ट्रेस है, मैं यहां पे लिख लेता हूं शीयर स्ट्रेस, ये हमारे पास है ऑलरेडी, एरिया इस साइड आ जाएगा और इस साइड ये क्या है 2 पाई आर इंटू डी आर, समझ रहे हैं। और ये किसके बराबर है, फोर्स, ये फोर्स है हमारे पास, ये यहां तक हो चुका है। इसके बाद हमारा क्या है, टॉर्क निकालने का काम है। तो ये टॉर्क कैसे निकलेगी, अब यहां से क्या करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला आ चुका था आर इंटू आर, ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर टाउ बाय आर
इंटू आर का स्क्वायर 2 पाई डी आर, समझ रहे हैं? तो ये फोर्स आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, टर्निंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। टर्निंग मोमेंट निकालने के लिए, टर्निंग मोमेंट कैसे निकलेगा, पहले बताया ना आपको, तो उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर देगी, बस टर्निंग मोमेंट निकल जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, फोर्स को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे, रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस एलिमेंट पे हो रहा है सारा काम अभी तक, अभी पूरे का नहीं निकाला। यही काम करते हैं ना, इंटीग्रेशन हमारे यही काम आता है कि छोटे से पार्ट पे करो सारी कैलकुलेशन, उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन कर दो, वो इंटीग्रेशन जो होगी वो हमें फाइनल वैल्यू दे देगी। तो ये डी टी आर है एक तरह से। तो फोर्स मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो यहां पे लिख लेता हूं, रेडियस का स्क्वायर इंटू टू पाई आर, ये डी आर था ना, ये वाली वैल्यू यहां लिख दी। अब ये रेडियस तो ऑलरेडी है यहां पे, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है टाउ बाय आर, आर का क्यूब, क्योंकि आर स्क्वायर और ये आर, आर क्यूब हो गया, टू पाई डी आर, ये आ गया। अब ये है डी टी, इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर देंगे। और वो कहां से होगी, जीरो से लेके आर रेडियस तक, बस छोटा सा है, छोटे से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगना है बस, और कुछ ज्यादा नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो वो इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाएंगे, फट से वैल्यू जो आएगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अगर करते हैं हम इसकी, तो वो कितनी निकलेगी हमारे पास, देखिए 2 पाई कॉन्स्टेंट है हमारे पास, टाओ हमारे पास कॉन्स्टेंट है, आर हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो आर स्मॉल जो है आर क्यूब, उसका इंटीग्रेशन होना है बस, बाकी बाहर आ जाएगा, टाओ बाई आर इंटू टू पाई तो बाहर आ गया ऑलरेडी, तो आर क्यूब इंटू डी आर रह गया अंदर। तो आर क्यूब का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, आर की पावर 4/4। और अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है तो मैं चाहूंगा कि आप पहले इंटीग्रेशन जरूर सीख लें, ठीक है। इंटीग्रेशन सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको। तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, जीरो से लेके आर तक। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। अपर लिमिट क्या है, आर, लोअर लिमिट क्या है, जीरो। तो जीरो का करेंगे तो जीरो ही हो जाना है, उसके पुट करने की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डी टी का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो टी बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा, ठीक है। तो टी मेरे पास क्या आ जाएगा, टी टी आ जाएगा टाओ बाय आर, टू पाई ये है हमारे पास, और आर फोर की कैपिटल वैल्यू आ जाएगी, आर फोर अपॉन फोर, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ये हम क्या करेंगे, देखिए आर से ये क्यूब रह जाएगा, एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास डी डायमीटर क्या होता है, ठीक है, वो होता है आर, मतलब डी बाई टू को कर दें तो आर आ जाता है ना, आधा कर दे तो आर की जगह क्या लिख सकते हैं, डी बाई टू। तो मैं ये डी बाई टू लिखने वाला हूं, टाओ टू पाई डी बाय टू, इसका क्यूब है, ठीक है, और नीचे फोर है, तो वो फोर जो है मैं यहां पे लिख लेता हूं, और ये इसका क्यूब कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि क्यूब सिर्फ इसका था ना, इसका तो नहीं था। तो मेरे पास टाओ इंटू टू पाई बाय फोर डी क्यूब बाय दो का क्यूब आठ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाओ इंटू, अरे देखिए टू से ये फोर कट जाएगा, टू रह जाएगा, आठ दूनी सोलह, पाई डी क्यूब बाय 16। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला बड़ा ही मशहूर जो है, पाई बाय 16 डी क्यूब टाओ, ये बन गया ना, देखो पाई बाय 16 डी क्यूब टाओ, यहीं से निकला है वो, ये रहा, ठीक है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। अब इसमें टाओ जो है एक साइड रख लेते हैं और बाकी वैल्यू एक साइड ले जाएंगे। अब फाइनल इक्वेशन आने वाली है और हमारा ये खत्म हो जाएगी डेरिवेशन, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, 16 ऊपर पाई नीचे, ठीक है, ये पाई नीचे, डी क्यूब नीचे, क्या आ चुका है 16, इधर आ गया पाई नीचे, डी क्यूब नीचे, और टाउ रह गया।
अब स्टार्टिंग में एक इक्वेशन हमने जो फाइंड आउट की थी, ठीक है, वो क्या की थी, टाओ बाय आर हमने की थी ना, टाओ बाय आर जी थीटा बाय एल। अब इसमें क्या करेंगे, ये टाओ की जगह ये वाले टाओ पुट कर देंगे, बस 16 टी अपॉन डी क्यूब बाय पाई, और ये जो आर है वो यहां पे आ जाएगा, और जी थीटा बाय एल ये आ गया। अभी इसमें आर की जगह क्या लिख सकते हैं, डी बाय टू लिख सकते हैं इसको, तो मैं डी बाय टू यहीं सीधा ही कर देता हूं, डी बाय टू ऊपर आ जाएगा टू, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे पास देखिए 16 और 2 से मल्टीप्लाई कर दियो तो 32 आ जाएगा, टी इंटू 32 बाय डी क्यूब इंटू पाई इंटू डी, और डी और डी क्यूब ये क्या बन जाएगा, डी फोर बन जाएगा, तो मैं इसको डी फोर अभी कर देता हूँ, डी की पावर 4 कर देता हूँ, सिंपल है। इसमें अगर 32 मैं नीचे ले आऊं तो ये क्या आ जाएगा, टी अपॉन पाई बाय 32 और डी की पावर 4, हेर फेर है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर उधर, जो वैल्यू होने चाहिए वो हमने बना के रहनी है। तो ये किसके बराबर आ रहा है, जी थीटा बाय एल। अब एक चीज देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई बाय 32 डी की पावर 4, ठीक है। तो इसके जगह लिखूंगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईपी, कई लोग इसको जे भी लिखते हैं, कई बुक में जे लिखा हुआ है तो आप जे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, जे आईपी जो आपको ठीक लगता है वो लिख सकते हैं, जी या सी वो आपकी मर्जी है। तो ये हो गया, पहले हमने जी थीटा बाय एल प्रूव किसके बराबर किया था, टाउ बाय आर के, अभी हमने जी थीटा बाय एल किसके प्रूव कर दिया, इसके बराबर कर दिया, टी बाय जे के। तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ रही है वो क्या है, टी बाय जे टाउ बाय आर जी थीटा बाय एल, ये है हमारे पास फाइनल इक्वेशन। तो इस तरह से आप टॉर्जन इक्वेशन कर सकते हैं। अब बात आती है इसको याद करने की कि इतने कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स हैं, इधर उधर एक भी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, एल इधर लिख दिया, आर ऊपर नीचे लिख दिया तो गड़बड़ हो सकती है ना। तो इसको रट्टा मारने के लिए एक छोटी सी लाइन बना रखी है मैंने, वो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट में जरूर बताना मुझे, ठीक है, कि आपको ये अच्छी लगी ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ या नहीं, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी हरियाणवी भाषा बोलनी पड़ेगी इसको याद करने के लिए, मैंने अपने तरफ से बना रखा है, आपको आपको भी कोई ट्रिक आती है इसको याद करने की तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने जो बना रखी है वो मैं कहता हूँ कि हरियाणवी भाषा में जैसे भी कहते हैं, तू जा ताऊ रे, ठीक है, जी थीटा बाय एल आपको सीधा सीधा याद रखना है, तू जा ताऊ रे जी थीटा बाय एल। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, टॉर्जन इक्वेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। आप लाइक जरूर करें कि ये मेरी वीडियो, और अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो को सर्च करना चाहता हूँ कि ये सर ने ये वाली वीडियो बना रखी है या नहीं बना रखी, तो आप क्या कीजिए, सर्च में जाया कीजिए, वहाँ पे जो भी टॉपिक है उसके साथ गियर इंस्टीट्यूट लिख दीजिए, टॉपिक आपको जो चाहिए। अब मान लो आपको स्ट्रेन का टॉपिक चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, कुछ भी है, अब आप वीडियो खुद देखने लग जाओगे एक एक करके भी है या नहीं है तो दिखती नहीं है, प्लेलिस्ट ओपन करोगे वहाँ से कर सकते हो। सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप सर्च में लिखो टॉपिक का नाम और साथ में चैनल का नाम लिख दो, अगर उस पर वीडियो हुई तो आपके सामने जरूर आ जाएगी। थैंक यू सो मच।